कौन है? अरे राधा, तू? हाँ लाला, हूँ तो मैं ही। तू मेरे घर आई, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सपना नहीं है तो सच। आ! क्या हुआ? तुझसे मिलने दीवार फाद कर आई ना। अच्छा, देखना लाला, पाँव में मोच आ गई। यहाँ जा, यहाँ जा। अरे समझ लो, बस हो गई छुट्टी। तूने इतनी तकलीफ उठाई है, मैं तेरा पाँव दबा दूँ? हाँ लाला। कैसा रुई जैसा नरम नरम पाँव है तेरा लाला। तूने पहले कभी किसी लड़की के पाँव दबाए हैं? नहीं नहीं, राम कसम, पहली बार दबा रहा हूँ। लाला, तूने अपनी माँ के पाँव तो दबाए होंगे। अरे क्यों मजाक कर रही है? अरे जा। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं लाला, मैं अगर शहरी बाबू के साथ घूमती हूँ तो तेरे पेट में दर्द क्यों उठता है? इस गांव में जितने फसाद होते हैं ना, उन सब की जड़ तू है। इसका क्या सबूत है तेरे पास? कान खोल कर सुन ले लाला, अगर तूने फिर कभी शहरी बाबू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तेरी जुड़वा टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगी, समझा? मेरे ही घर आई और मुझे ही थप्पड़ मारकर चली गई। अगर बर्बाद ना करके रख दिया तो टीका राम नाम नहीं मेरा। कौशल्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम सिब्बू पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। जितना बड़ा अपराध सिब्बू ने किया है, उससे बड़ा अपराध उसकी हिमायत करके आप कर रहे हैं। कौशल्या, आज मैं कह रही हूँ, कल सारा गांव कहेगा कि न्याय का ढिंडोरा पीटने वाला ठाकुर खुद सबसे बड़ा न्यायी है। तेरी ये हिम्मत? ठाकुर साहब, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है जिसका आपने। मुझे भी कुल की आन और शान उतनी ही प्यारी है जितनी आपको। 20 साल तक आपकी चौखट पे पड़ी रही, पति का साथ छोड़ा, एकलौते बेटे के लिए तड़पती रही, सिर्फ इसीलिए कि आपका सर किसी के सामने न झुके, आपकी आन पे धब्बा न लगे। आज तक आपने गांव में होने वाले हर अन्याय को रोका है और आज खुद इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। एक निर्दोष की जान जा रही है और आप खामोश खड़े हैं। मुझे न्याय चाहिए, न्याय अपने बेटे के लिए।